हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप स्वागत है। आज मैं आपके साथ पनीर पकौड़े की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। इसके लिए पनीर को मसालों में कोट करेंगे। मसाले इस तरह है, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक पेस्ट, 3/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच नमक। अच्छी तरह से मिला लेंगे। 9 से 10 पनीर पीसेस लेके इस मसाले में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह से पनीर को लगना चाहिए, ऐसे हम लोग लगा लेंगे। ये मसाला पनीर के साथ बहुत बढ़िया लगता है। अच्छी तरह से सारे पीसेस कोट करके हम लोग थोड़ा देर साइड में रखेंगे। फिर बैटर बनाने के लिए बैटर की तैयारी करेंगे। मसालों में कोट करके पनीर के पीसेस तैयार हो गए। यहाँ पे 9 से 10 पनीर पीसेस कोट करके तैयार कर दिया है। बैटर के लिए छन्नी में 1/2 कप बेसन लेंगे। इसको अच्छी तरह से गुठलियाँ निकालने के लिए छान लेंगे। गुठलियाँ निकालना बहुत ज़रूरी है। ये रहा हमारा बेसन तैयार है। और इसमें मसाला डालेंगे, 1/2 बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे और 1/4 पानी डालकर अच्छे से घोल बना लेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट और नरम बनाने वाले हैं। नरम बनाने के लिए जैसे हम लोग पकौड़े बनाने के लिए सोडा डालते हैं, इसमें हम दूसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे। वो सबसे बाद में जब पानी डाल के हम अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद थोड़ा देर साइड पे रखेंगे। फिर जब पकौड़ों को तलने के टाइम, उस टाइम वो इंग्रेडिएंट डालना है, हम देखेंगे आगे। फिर ये रहा हमारा घोल, अच्छे से बन चुका है। अब इसमें इसको पेस्ट बना के थोड़ी देर साइड में रखेंगे। इसको तलने के लिए रखा है, तब भी हम लोग 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, जिससे हमारे पकौड़े बहुत ही नरम बनेंगे। मसालों में कोट किए हुए पनीर के पीसेस को बेसन के घोल में डुबो के गरम तेल में तलने के लिए डालेंगे। 1/2 मिनट तक पकौड़ों को धीमी आंच पर तल लेंगे। कढ़ाई भर के पकौड़े एक साथ ना तले, थोड़े थोड़े पकौड़े ही तले और धीमी आंच पर, शुरू में धीमी आंच पे तल लेंगे ताकि अच्छी तरह से वो अंदर से तल लेंगे। दोनों साइड से धीमी आंच पे तलने के बाद आंच को अब मीडियम आंच करेंगे और दोनों साइड से अच्छी तरह से तल लेंगे। बचे हुए सारे पकोड़े पहले धीमी आंच पे, फिर मध्यम आंच पे दोनों साइड से तल लेंगे। हमारे नरम और मसालेदार पकोड़े तल रहे हैं और पकौड़े तलकर तैयार हुए हैं। इनको हम निकाल लेंगे और जो बचे हुए पकौड़े हैं उनको भी अच्छी तरह से पहले धीमी आंच पर और फिर मध्यम आंच पे अच्छी तरह से तल लेंगे। तलकर तैयार हुए हैं, देख सकते हैं। ये हमने काट, बहुत मसालेदार और नरम पकौड़े तैयार है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।